दोस्तों, आज का जो प्लान है 30x35 में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, इस मकान में आपको 3 बेडरूम, किचन, वॉशरूम, हॉल, बरामदा बहुत अच्छे तरीके से बनाया है दोस्तों। अगर आपका बजट कम है, 10 से 12 लाख तक बजट है, तो आपने बिल्कुल सही प्लान को क्लिक किया है दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कोई नक्शा बनवाना है तो आपको नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप हमसे कॉन्टैक्ट करके नक्शा बनवा सकते हैं दोस्तों। प्लान की बात करें तो आप देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे कॉलम्स दिए हैं, इसको थोड़ा हाईलाइट किया है, और यहाँ पे जो कॉलम का साइज रखा गया है वो 10x10 का कॉलम रखा गया है फॉर सिंगल फ्लोर। एक मंजिल के कॉलम के लिए मैंने यहाँ पे 10x10 का कॉलम यहाँ पे यूज किया है। अगर आप डबल फ्लोर रखते हैं तो कॉलम का साइज आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक मंजिल का जो कॉलम है उसके लिए कॉलम का साइज आपका 10x10 के यहाँ पे रखा गया है, और 4 नंबर ऑफ स्टील इसमें आपके 12 mm के यूज किए गए हैं दोस्तों। 4 नंबर ऑफ स्टील 12 mm के यूज करने से आपको ये फायदा रहेगा। बहुत लोगों को मैं मकान देखा हूँ, लोग 8 mm का सरिया यूज करते हैं, 10 का यूज करते हैं, जो कि गलत है। आपको कॉलम में हमेशा 12 mm का ही सरिया यूज करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो ये आपके कॉलम्स हो गए। कितने नंबर ऑफ कॉलम हो गए आप देख सकते हैं, 4 पीछे हो गए, 4 4 8 8 3 11 11 12 13 14 नंबर ऑफ कॉलम इसमें आपके टोटल हो जाएंगे दोस्तों। अब एक बार बाहर के जो दीवार है उसको भी थोड़ा हाईलाइट करके आपको समझा देता हूँ। तो बाहर की जो दीवार है उसको मैंने 10 इंची का रखा है फॉर सेफ्टी रीजन। बाहर की दीवार 10 इंची रखने से आपको ये फ़ायदा है कि कोई तोड़ करके मकान में घुसेगा नहीं, और प्लस जब खिड़की वगैरह आप रखेंगे तो उससे दीवार में क्रैक वगैरह डेवलप नहीं होगा दोस्तों। और अंदर की जो दीवार है उसको 5 इंची रखें, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अंदर की जो दीवार है पार्टीशन वाल होती है, बाहर की दीवार आपको सेफ्टी के तौर पर के इसलिए रखा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपकी बाहर की दीवार 10 इंची की रहेगी, और अंदर की जो भी दीवार है वो 5 इंची की आपकी रहेगी। ठीक है, तो ये बाहर की दीवार यहाँ पे आपकी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो आपको इस तरीके से पूरा ये मकान आपको मिलेगा। और हाँ, आप चलते हैं कुर्सी को लेवल को थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं। प्लिंथ लेवल जो आपका रहेगा, आप समझ लीजिए प्लिंथ लेवल हमने यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन किया है दोस्तों। तो ये आपका रहा प्लिंथ लेवल। प्लिंथ का हाइट आप देख सकते हैं इस तरीके से, आप प्लिंथ की हाइट वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। आप हमेशा प्लिंथ को थोड़ा ऊपर ही रखें, बहुत लोग वाटर लॉग हैं, जैसे प्लिंथ को अगर डाउन कर देंगे दो प्रॉब्लम है, एक तो मकान खूबसूरत नहीं दिखेगा, दूसरा अगर आसपास पानी वगैरह लगता है, वाटर लॉगिंग की दिक्कत है, तो भी आप प्लिंथ का हमेशा ध्यान रखें दोस्तों। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से आपका ये पूरा ये प्लान रहेगा दोस्तों। अब चलते हैं अंदर का डिटेल बताते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको स्टेप्स देना होगा, ये आपका सीढ़ी हो जाएगा यहाँ पे, और मकान में एंट्री के लिए आपको यहाँ पे स्टेप्स इस तरीके से हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से आप देख लीजिए, ये आपका सीढ़ी, और यहाँ से आप मकान में एंट्री करेंगे इस स्टेप्स को यूज करके दोस्तों। भाई मकान तो बना लिया, हाइट बना ली है, तो आप इस तरीके से यहाँ पर आपको स्टेप्स देना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, और ये आपको बरामदा, इस तरीके से बरामदा एरिया आपको मिल जाएगा, फ्रंट में आपको बरामदा मिल जाएगा इस तरीके से। और जैसे आप बरामदे से एंट्री करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक गेस्ट रूम। ठीक है, इसका दरवाज़ा आपको बाहर से देंगे, इससे क्या होगा कि आप मान लीजिए कोई गेस्ट वगैरह आया तो आप उनको बाहर का बाहर बैठा सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से यहाँ पे गेस्ट रूम वगैरह दिया गया है दोस्तों। इसके बाद ये आ रहा आपका मेन गेट, यहाँ पे लगेगा आपका मेन गेट, इस तरीके से आपका मेन गेट यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया पे आपका रह जाएगा, हो जाएगा मेन गेट यहाँ पे। ठीक है, मेन गेट से एंट्री करेंगे तो आपको हॉल एरिया मिलेगा, फिर इधर साइड देखेंगे तो आपको मिलेगा किचन, ये आपका किचन हो जाएगा, ये आपका किचन हो गया। ठीक है, किचन का दरवाज़ा आपका इस साइड में आपका हो जाएगा, इस साइड में आपका किचन का दरवाज़ा आपका लग जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में आपका किचन का दरवाज़ा लग जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका ये पूरा एक किचन एरिया आपका इस तरीके से रहेगा दोस्तों। ठीक है, और फिर पीछे साइड देखेंगे तो आपको 2 बेडरूम आपको मिल जाएंगे, पीछे साइड आपको यहाँ पर 2 बेडरूम आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये आपका पहला बेडरूम मिल जाएगा, ठीक है, ये आपका पहला बेडरूम, ठीक है, और इसके जस्ट बगल में आपको दूसरा बेडरूम, इस साइड में आपको दूसरा बेडरूम, और बीच में आपका टॉयलेट बाथरूम दिया गया। साइज़ भी मैं आगे बताऊंगा, तो पूरा वीडियो अंत तक देखें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं, किस जगह से देख रहे हैं, इंडिया के किस कोने से देख रहे हैं, आप कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। ठीक है, और बीच में आपका ये टॉयलेट बाथरूम रहेगा इस तरीके से आपका। ठीक है, इसको मैंने कॉमन रखा है, मान लीजिए कोई भी यूज कर सकता है, अगर चाहें तो इसमें ओनली बाथरूम भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी दोस्तों। इस तरीके से आपका ये पूरा रहेगा, इस तरीके से यहाँ पे सीढ़ी रहेगा, और पूरा मकान कंप्लीट होने के बाद आपको इस तरीके से मिलेगा। चारों साइड आप खिड़की वगैरह दे सकते हैं, क्योंकि गाँव का प्लान है, चारों साइड आप खिड़की आराम से दे सकते हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, यहाँ से आप एंट्री किए बरामदा में, ये आपका गेस्ट रूम, इसके बाद मेन गेट से एंट्री किए आपका हॉल एरिया, यहीं पर एक साइड में सीढ़ी दिया गया इस तरीके से। सीढ़ी का डिटेल समझ लीजिए, ऊंचाई 7 इंची है, थ्रेड जो है इस का 10 इंची है, और चौड़ाई जो है 3 फीट है, और इस तरीके से आपकी सीढ़ी बनेगी दोस्तों। इधर की साइड चलेंगे तो ये आपका किचन, पीछे 2 बेडरूम, बीच में आपका टॉयलेट बाथरूम इस तरीके से रहेगा दोस्तों। तो चलिए अब चलते हैं साइजेस की तरफ, और आपको साइजेस वगैरह हम समझाते हैं किस तरीके से यहाँ पे प्लान का साइज वगैरह यहाँ पे दिया है। तो आप देख सकते हैं 30 फीट ये फ्रंट हो गया,
जो मकान का चौड़ाई बनाया गया 30x35 में इस तरीके से बनाया है। और बरामदे की बात करें तो आप देख सकते हैं 9 फिट 3 इंच इस तरीके से, इसके बाद 15 फिट 9 इंच का आपका बरामदे का साइज हो जाएगा। और इधर की बात करें तो 13x जो गेस्ट रूम आपका रखा गया 13x12 का रखा गया है। हॉल एरिए की अगर बात की जाए तो 12 फिट 6 इंच इस तरीके से, 12 फिट 6 इंच × 9 फिट 5 इंच आपको ये हॉल एरिया मिल जाएगा। किचन की अगर बात करें तो यहाँ पे 7 फिट बाई, ठीक है, ये आपका 7 फिट बाई 8.5 फिट का आपका किचन हो जाएगा। और इधर पीछे बेडरूम की बात करें तो 11.5x12 का ये पहला बेडरूम, 11.5x12 का दूसरा बेडरूम इस तरीके से मिलेगा, और 7x4.5 का आपका टॉयलेट बाथरूम मिलेगा दोस्तों। तो ये छोटा सा वीडियो आशा करता हूँ बहुत पसंद आया होगा। नक्शा बनवाना है तो कॉन्टैक्ट नंबर शुरुआत में दिया है, स्क्रीन शॉट लेना है तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं दोस्तों। इसका भी साइज 11.5x12 का है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो लेकर, तब तक के लिए विदा लेता हूँ, धन्यवाद दोस्तों।